Hello everyone, and once again welcome to Easy English Literature. Today we are going to discuss Arthur Miller. Now Arthur Miller को आप सबने कभी ना कभी ज़रूर पढ़ा होगा because he is a very important writer and ये हर इंडियन यूनिवर्सिटी के सिलेबस में होते ही हैं and is also very important from the point of view of net exams. तो उनके ऊपर notes बनाए हैं मैंने, तो देखिए start करते हैं, let's start. Arthur Miller was born in the year 1915 and he died in the year 2005. His full name was Arthur Asher Miller. He was an American playwright and essayist. So, he was an American playwright and essayist. Miller joined the League of American Writers and worked for the student's newspaper, the Michigan Daily. यहाँ आपको ध्यान रखना है कि उन्होंने join किया League of American Writers and he worked for student's newspaper, the Michigan Daily. Now let's move to his important works. First work is No Villain. It was his first play. ये इनका first play था and he won a very Hopwood Award. इस play के लिए इन्हें मिला था a very Hopwood Award. जब हम Arthur Miller की बात करते हैं तो इनके works के लिए इन्हें जो awards मिले वो हमें ध्यान रखने हैं कि कौन से work के लिए कौन से awards मिले. तो No Villain इनका first play था और उसके लिए इन्हें मिला था a very Hopwood Award. Second is Honors at Dawn, उसके लिए भी इन्हें मिला a very Hopwood Award. Third is They Two Arise, based on No Villain. तो No Villain पे based है They Two Arise. Fourth, The Grass Still Grows. Fifth, The Golden Years. Sixth, Man Who Had All the Luck. For this work, he won Theatre Guild's National Award. तो यहाँ इन्हें मिला a very Hopwood Award और यहाँ मिला Theatre Guild's National Award. Seventh is All My Sons. Now this is very important play. इसे आप डिटेल स्टडी कीजिए, समरी देखिए. इम्पॉर्टेंट प्ले है ये. दिस प्ले एस्टैब्लिश्ड हिज रेपुटेशन एज अ प्ले राइट. तो बिकॉज ऑफ दिस प्ले ही गॉट द रेपुटेशन एज अ प्ले राइट. फॉर दिस प्ले ही वन टोनी अवार्ड फॉर बेस्ट ऑथर. बेस्ट ऑथर का अवार्ड भी इन्हें मिला. ये स्टोरी रिवॉल्व करती है अराउंड अ 60 ईयर ओल्ड मैन जो हु इज़ चार्ज्ड फॉर शिपिंग डैमेज्ड एयरक्राफ्ट पार्ट्स टू द मिलिट्री ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू. वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे मिलिट्री को डैमेज्ड एयरक्राफ्ट पार्ट्स शिप करने के लिए इन्हें चार्ज किया गया था और इसके अराउंड स्टोरी रिवॉल्व करती है. क्रिटिक्स रिगार्डेड इट एज अ वेरी डिप्रेसिंग प्ले इन द टाइम्स ऑफ ग्रेट ऑप्टिमिज्म. कि जब बहुत ऑप्टिमिज्म की ज़रूरत थी, एक ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड की ज़रूरत थी, उस टाइम पे ये बहुत ही डिप्रेसिंग प्ले था. बट देन ऑल्सो ही गॉट अ टोनी अवार्ड. देन ऑल्सो ही गॉट टोनी अवार्ड फॉर बेस्ट ऑथर. एथ वर्क इज़ द डेथ ऑफ अ सेल्समैन. दिस वर्क इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इसको भी आप डिटेल स्टडी कीजिए. इसके लिए इन्हें मिला पुलित्ज़र प्राइज़, टोनी अवार्ड फॉर बेस्ट ऑथर, द न्यूयॉर्क ड्रामा क्रिटिक सर्कल्स अवार्ड. The play was premiered at Morosco Theatre, directed by Elia Kazan. तो कहाँ premiere हुआ ये? Morosco Theatre में. The play was performed 742 times. 742 times इसे perform किया गया. एक खास बात थी इस play के बारे में कि before the curtain rises, a melody is heard played upon a flute. हर curtain rise से पहले flute वहाँ पर बजाया जाता था. It was a major success in China and thus in 1984, Salesman in Beijing, a book was produced. तो ये जो play था The Death of a Salesman, ये बहुत ज़्यादा successful हुआ China में और वहाँ पर एक book लिखी गई Salesman in Beijing. The original title was The Inside of His Head. तो आपको ये ध्यान रखना है कि China में book भी लिखी गई Salesman in Beijing and the original title was The Inside of His Head. Ninth work is The Crucible, Miller's most frequently produced work in the whole world. पूरे वर्ल्ड में जो वर्क बार बार प्रोड्यूस किया गया, मिलर का वर्क जो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, जिसे कई राइटर्स ने दोबारा से लिखा, वो है द क्रूशिबल. द प्रोटोगोनिस्ट जो थे वो थे जॉन प्रॉक्टर एंड द प्ले वॉज रिटन इन फोर एक्ट्स. तो यहाँ पे आप प्रोटोगोनिस्ट का नेम ध्यान रखिए, जॉन प्रॉक्टर एंड द प्ले वॉज रिटन इन फोर एक्ट्स. टेंथ इज़ आफ्टर द फॉल. आफ्टर द फॉल में उन्होंने जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था अपनी मैरिज का मुनरो के साथ, उस मैरिज के एक्सपीरियंस को इस प्ले में दिखाया है आफ्टर द फॉल. द प्राइज वॉज अ फैमिली ड्रामा. टाइम बेंड्स वॉज अ ऑटोबायोग्राफिकल वर्क. सो द ऑटोबायोग्राफिकल वर्क ऑफ आर्थर मिलर वॉज द टाइम बेंड्स. ड्यूरिंग अर्ली मिड नाइन्टीज़ में द राइट डाउन मिस्टर मॉर्गन, द लास्ट यंकी, ब्रोकन ग्लास, ये तीनों वर्क्स मिड नाइन्टीज़ में आए. आप बस नेम ध्यान रखिए कि ये वर्क्स आर्थर मिलर के हैं. फिनिशिंग द पिक्चर वॉज द फाइनल प्ले. इट केम इन 2004.
सो नेम से भी लगता है फिनिशिंग द पिक्चर. तो ये फाइनल प्ले था आर्थर मिलर का एंड इट केम इन द ईयर 2004. एन एनिमी ऑफ द पीपल बेस्ड ऑन हेनरिक इप्सन्स प्ले एन एनिमी ऑफ द पीपल. हेनरिक इप्सन का वर्क एन एनिमी ऑफ द पीपल पे बेस्ड है. एन एनिमी ऑफ द पीपल. अ व्यू फ्रॉम द ब्रिज. अ व्यू फ्रॉम द ब्रिज में दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं एडी और कैथरीन. और एडी का जो ऑब्सेशन है कैथरीन के लिए, जो इम्प्रॉपर लव है कैथरीन के लिए, वो यहाँ पे पिक्चराइज किया गया है. नेक्स्ट वर्क्स आर अ मेमोरी ऑफ टू मंडेज, द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड एंड अदर बिजनेस, द आर्च बिशप्स सीलिंग, मिस्टर पीटर कनेक्शंस, रिशोरेक्शंस ब्लू, द अमेरिकन क्लॉक. 1945 पब्लिश द नॉवल फोकस. अब ये सारे इनके ड्रामास थे, प्लेस थे, बट 1945 में इनका एक नॉवल आया फोकस. तो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये नॉवल है. करियर स्पैंड ओवर 7 decades. ये भी इम्पॉर्टेंट है कि 7 decades का करियर था इनका, बहुत लॉन्ग करियर था आर्थर मिलर का. ही मैरिड 3 times. 3 times इन्होंने मैरी किया. ये 3 wives के नेम मैरी ग्रेस स्लैटरी, मर्लिन मुनरो एंड इग्नी मुराद. These were the 3 wives of Arthur Miller. He was member of the American Theatre Hall of Fame. ये member थे American Theatre Hall of Fame के. तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि ये कहाँ member थे, the American Theatre Hall of Fame. University of Michigan opened the Arthur Miller Theatre in March 2007. तो Arthur Miller Theatre भी खोला गया और ये किसने open किया, University of Michigan ने. Daughter Rebecca Miller completed a documentary about her father's life, Arthur Miller writer. इनकी डॉटर है रिबेका मिलर, तो उन्होंने भी एक डॉक्यूमेंट्री कंप्लीट करी और द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट्री इज आर्थर मिलर राइटर. ही वॉज द फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट ऑफ पेन इंटरनेशनल फॉर 4 years. पेन इंटरनेशनल के 4 years तक ये प्रेसिडेंट रहे एंड ही वॉज द फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन. इन 1993 वॉज अवॉर्डेड द नेशनल मेडल ऑफ आर्ट्स. तो ये भी आप ध्यान रखिए कि 1993 में इन्हें अवार्ड मिला नेशनल मेडल ऑफ आर्ट्स. So this was all about Arthur Miller. I have tried to cover each and every important point here. Please do read the 2 dramas in detail. Read the summary and what is all the drama are about. For more such notes, please subscribe to my channel and hit the bell icon. Video pasand aaya ho to like zarur kariyega. Till then, all the best and keep learning. Bye bye.